नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की स्फूर्ति क्लस्टर योजना के अंतर्गत किया गया भौतिक सत्यापन। सोनभद्र स्थानीय द्वितीय ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत केवाल में पंचायत भवन पर आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की स्फूर्ति क्लस्टर योजना के अंतर्गत भौतिक सत्यापन किया गया। प्रगतिशील कृषक श्री गौरी शंकर कुशवाहा ने बताया कि ग्रामीणों में बेरोजगारी होने की वजह से भारत सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन का योजना दिया जा रहा है, जिसमें बेरोजगारी ग्रामीणों से दूर हो जाए। आइए जानते हैं पूरी खबर। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, जितेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, मैं अभी ग्राम पंचायत केवाल में आया हुआ हूँ, जो कि एक चौपाल लगा हुआ है। और क्या है इसके बारे में यहाँ मैं बात करते हैं क्या ये लगाने का वजह है। सर आपका नाम? गौरी शंकर कुशवाहा है। अच्छा, ये यहाँ पे चौपाल लगा के किया जा रहा है, भौतिक सत्यापन क्या है? ये किसानों को जो है भारत सरकार का कार्यक्रम है स्फूर्ति क्लस्टर योजना में, जो कि किसानों को जो मतलब गरीब एरिया में जब ग्रामांचल में जो गरीब किसान हैं, मध्यम वर्ग के हैं, उनको मधुमक्खी पालन किया करने का जो है प्रोत्साहन दिया जाए और जानकारी भी दिया जाए। तो ऐसे क्षेत्र में हमारा सोनभद्र जो है एकदम बिल्कुल वनांचल है और यहाँ छोटे छोटे किसान हैं और जंगल भी है, काफ़ी जो है मधुमक्खी का स्कोप भी है, मतलब यहाँ मधुमक्खी पालन के लिए बहुत अच्छा जो है क्लाइमेट भी है। और यहाँ हमारे क्षेत्र में लगभग 25-30 किसान कर भी रहे हैं बहुत पहले से ही। तो सरकार की योजना में हुआ है कि जहाँ लोग कर रहे हैं उनको और भी जागरूक किया जाए और उनको प्रोत्साहित करते हुए उनको कुछ मदद भी किया जाए। तो उसी क्रम में उनके खाते में जो किसान सेलेक्ट हैं, पहले से आवेदन कर चुके हैं, उनके खाते में पैसे डालने हैं, इसलिए उनके जो है भौतिक सत्यापन आधार का हो रहा है, जो आधार से ही पैसे उनके खाते में भेजे जाएंगे। तो वो बिल्कुल सत्य हैं और सही है, यानी आधार नंबर न गलत हो जाए, नाम न गलत हो जाए, ताकि हम जिस किसान को दे रहे हैं उसके बजाय दूसरे में चला जाए, जिसको सही लाभार्थी है उसको सही लाभ मिले। इसलिए यह कार्यक्रम आज जो है ग्राम पंचायत केवाल में, नया पंचायत केवाल में ग्राम पंचायत भवन पर यह आयोजित हुआ है। वह पूरी योजना के अनुसार हुआ है, यह तिथि पहले से निर्धारित था। इसमें जो बेरोजगार हैं एक रोजगार भी मिल जा रहा है। हाँ, हैं इस तरह से मतलब कार्य करने का भी समय को भी हो जा रहा है, उसके रोजगार भी प्राप्त हो जाए। इसमें यह है कि जैसे हम सरसों की खेती करते हैं तो सरसों की खेती में फूल पराग होता ही है। तो हम अभी तक जो हमारे पुरानी परंपरा थे उसमें था कि हम लोग उस पराग को, उस शहद को इकट्ठा नहीं कर पाते थे, जागरूकता नहीं थी। जबकि अगर किसी भी फसल में परागण की क्रिया करा दिया जाए तो उत्पादकता 1.5 बढ़ जाता है। तो ऐसे में मधुमक्खी जो है किसान का बिल्कुल सहयोगी योजना है और सहयोगी काम भी है, जो किसान 1.5 बढ़ जाता है। तो ऐसे में मधुमक्खी जो है किसान का बिल्कुल सहयोगी योजना है और सहयोगी काम भी है, जो किसान खेती करते हुए मधुमक्खी पालन करे और उस बक्से को खेत में ही रखे, ताकि उससे उसका परागण बढ़े और उत्पादकता भी बढ़े और आम के आम गुठली के दाम भी मिले। सरसों तो बढ़ेगा ही, फलेगा ही, उसमें जो परागण होता है लगभग 1 हेक्टेयर में 1 क्विंटल शहद होता है, जो कि हम अज्ञानता बस उसको कलेक्ट नहीं कर सकते और न कोई मशीन भी नहीं है जो हम परागण को कलेक्ट कर लें। तो इसके लिए मधुमक्खी अगर पालन हम करते हैं तो जो शहद हमारा खेत में गिर जाता है, जिसका कोई काम नहीं आता है, वो अगर 1 क्विंटल हम अगर 1 हेक्टेयर में शहद कलेक्ट कर लेते हैं तो अगर बाजार वैल्यू देखा जाए तो इस समय 250-300 रुपया किलो शहद है। और डाबर का हनी खरीदेंगे, बाबा रामदेव का खरीदेंगे, वो 400-500-600 रुपया किलो आता है। तो हमारे किसान भाई जो चीज़ ज़मीन में गिर जा रहा है और वो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक है, अच्छे भावों में बिक रहा है, तो क्यों ना हम किसानों को प्रोत्साहित करें। और सरकार की योजना है जो हम उनको प्रोत्साहित करेंगे और उनको मतलब सहायता भी करेंगे, आर्थिक सहायता, ताकि क्षेत्र की जनता विकास करे। दोस्तों इस तरह से ग्रामीण जनता को बेरोजगार इसमें हर आदमी के पास छाया हुआ है और बेरोजगारी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट की व्यवस्था से मधुमक्खी का पालन का व्यवस्था किया जा रहा है। और इस तरह से आइए मैं सर से बात करता हूँ। अपना राजेश चौधरी सर, मधुमक्खी पालन किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए।
इस एरिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करते हैं, तो भारत सरकार की जो स्फूर्ति योजना है इसके तहत क्या किया जाता है कि जो अलग अलग जो यूनिट होती हैं उनके पास सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, वो अच्छे से उस क्वालिटी का मधु नहीं निकाल पाते हैं, उसको मार्केट में बेच नहीं पाते हैं, उसकी पैकेजिंग नहीं कर पाते हैं, उसमें और कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते हैं, अगर एक यूनिट वाला उसकी टेस्टिंग नहीं कर पाता है, तो इन सब को सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत एक ग्रुप बनाया जाता है, जितने लोग हैं सबका ग्रुप बना लिया जाता है, क्लस्टर जिसको बोलते हैं, तीन चार, जैसे इस क्लस्टर में जो नाम आया है 400 के आसपास लोग हैं, तो इससे एक क्लस्टर बनेगा। क्लस्टर होने से जो इसके पास जो सुविधा नहीं होगी उसके लिए एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर, एक जगह सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जाएगा, उस पैसे के सहायता से जो एनजीओ इसमें इन्वॉल्व है, जो संस्था, वो एक सीएफसी बनाएगी, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, उसमें सारी सुविधाएं रहेंगी, ये अपनी सारी सुविधाएं वहां से लेके सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट इसमें किसी को पैसा देने वाली नहीं है, डायरेक्ट किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आएगा, इसमें क्या होगा कि सबको सहायता मिलेगी, जो काम कर रहा है उसको सुविधा मिलेगी बस। दोस्तों इस तरह से चौपाल लगा करके ग्राम पंचायत केवाल में ग्राम पंचायत भवन पे लोगों को बेरोजगार की जगह पे रोजगार दिया जा रहा है, और फिर जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से जीवन यापन किया जाए और करना है, इस तरह से किया जा रहा है। और जितेंद्र प्रसाद गुप्ता, स्टार 70 न्यूज़, जय। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल स्टार 70 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।